हम लोग उनकी, हमसे उनकी तरक्की बर्दाश्त नहीं हो रही। आप मुझे पूछें कि एक मूवी का ट्रेलर आया था कल गदर 2 का, उसमें उसने कहा था कि अगर अभी पाकिस्तानियों को मौका दे दिया जाए ना इंडिया जाने का, तो आधे से ज़्यादा पाकिस्तान खाली हो जाएगा। और ये बात बिल्कुल सही है। और पाकिस्तान में रह के कुछ नहीं कर सकते, करने में यही आए हम बाहर जाने के लिए आए हैं इधर। ये डॉक्यूमेंट्स हैं, हाँ डॉक्यूमेंट्स हैं, और बाकायदा ये देखें, ये मेरे पास पासपोर्ट है मेरा। और ये हम कौन सी कंट्री के लिए लगवाने, ये इस टाइम तो हम ये सऊदीया के लिए जा रहे हैं ना। तो इस यहाँ पे मेरा अल्हम्दुलिल्लाह बिजनेस बहुत अच्छे लेवल पे चलाया है मैंने। चार जंगे तो लड़ी हैं, चार जंगें जो हैं वो अपना जिस तरह की जंगें लड़ी गई हैं, जैसे वो कारगिल का वाकया आप लगा लें, अपने फौजी वहाँ पे मरवा दिए अपनी ही नाली की वजह से, गलती की वजह से वहाँ। कतर में 93,000 फौजी, 93,000 फौजी बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। खैर इस पे तो नहीं बहस करना चाहता, ये नया कटा खुल जाएगा ये जो है वो और मामला की तरफ चले जाती हैं। और दूसरी, जब से हम पैदा हुए ना, हमें शुरू से ही, जब से हमें सिखाया जा रहा है स्कूल लेवल से ही, हमें जब से हम ये प्राइमरी लेवल समझते हैं ना, जब से हमें सिखाया जा रहा है कि इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया हमारा दुश्मन है, हम इंडिया के दुश्मन हैं, इंडिया हमारा दुश्मन है। और हमने सिर्फ ना एक ही बात देखी है कि बॉर्डर पे चले जाएं और बॉर्डर पे ये देखें कि किसकी टांग सबसे ज़्यादा ऊपर जा रही है। इंडिया ने 15 अगस्त को इलेक्ट्रिक कार निकाली थी, हमने 14 अगस्त को 75 का नोट निकाला था और नया नेशनल एंथम निकाला था। तो हम पंजाबी में कह सकते हैं कि माड़े बंदे के तो हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। तो फिर क्या प्लानिंग से आगे के लिए? प्लानिंग अगर इस हवाले से देखा जाए तो पाकिस्तान में जो इस टाइम चल रहा है इस हवाले से, तो पाकिस्तान में कुछ किया ही नहीं जा सकता, ना तो इन्वेस्ट की जा सकती है, ना कोई बिजनेस को ग्रो अप किया जा सकता है, इस तरह का कोई काम नहीं किया जा सकता। हाँ अदरवाइज़ अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं या अपनी फैमिली को पालना चाहते हैं या अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहते हैं, मेरे ख्याल से आउट ऑफ कंट्री जा सकते हैं और पाकिस्तान में रह के कुछ नहीं कर सकते। करने में यही आए हम बाहर जाने के लिए आए हैं इधर। ये डॉक्यूमेंट्स हैं, हाँ डॉक्यूमेंट्स हैं, और बाकायदा ये देखें, ये मेरे पास पासपोर्ट है मेरा। और ये हम कौन सी कंट्री के लिए लगवाने, ये इस टाइम तो हम ये सऊदीया के लिए जा रहे हैं ना। तो इस यहाँ पे मेरा अल्हम्दुलिल्लाह बिजनेस बहुत अच्छे लेवल पे चलाया है मैंने, तकरीबन 2019 से लेके 2022 तक मैंने पूरे अरूज पे रहा है मेरा बिजनेस। और 22 में ही मेरा वो डाउन होना शुरू हो गया है और आहिस्ता 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 इस टाइम ये हालात हो चुके हैं मेरे बिजनेस के, मैंने अपनी मशीनें लगाने के बावजूद अभी वाइंड अप कर दिया है, सारा कुछ बंद कर दिया है और इस लॉस में जा रहे थे। हाँ लॉस में जा रहे थे बिल्कुल, जो अपने एक्सपेंस हैं अपनी शॉप के, जो रेंट वगैरह हैं वो दिए जा रहे थे, बिल्स दिए जा रहे थे DSL के, बिजली के, अपने जो हमने वो रखे हुए थे अपने पास, लड़के रखे हुए थे ऑपरेटर वगैरह, उनको तो नहीं पूरा हो रहा था ना, इसीलिए छोड़ के जा रहे हैं। गाइस ये देखें, पाकिस्तान के नौजवान हैं, ये अपने बिजनेसेस को बंद करके आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं, पासपोर्ट इनके हाथों में, डॉक्यूमेंट्स इनके हाथों में हैं, यही कौम का असासा, अगर यहीं चले जाएंगे मुल्क से तो हमारा क्या सर्वाइवर का आगे जरिया होगा? सर क्या लगता है कि इंडिया तो सैटेलाइट भेजी जा रहा है, $100 बिलियन अपने स्पेस एजेंसी से कमा रहा, उसके बाद जितना सऊदी अरेबिया अपना तेल बेचकर कमाता है, इंडिया अपनी IT एक्सपोर्ट करके हर साल कमाता है, क्या मुकाबला कर सकते हैं इंडिया का? नहीं नहीं सर बिल्कुल नहीं कर सकते। हमने ना जब से हम पैदा हुए हैं ना, तो बात थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, मैं काइंडली माजरत के साथ, जब से हम पैदा हुए ना, हमें शुरू से ही, जब से हमें सिखाया जा रहा है स्कूल लेवल से ही, हमें जब से हम ये प्राइमरी लेवल समझते हैं ना, जब से हमें सिखाया जा रहा है कि इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया हमारा दुश्मन है, हम इंडिया के दुश्मन हैं, इंडिया हमारा दुश्मन है। और हमने सिर्फ ना एक ही बात देखी है कि बॉर्डर पे चले जाएं और बॉर्डर पे ये देखें कि किसकी टांग सबसे ज़्यादा ऊपर जा रही है, सिंपल सी बात है ना, सिर्फ यही देखे जा रहा है कि नहीं जी नहीं, हमारी टांग ऊपर जा रही है, उनकी टांग नीचे जा रही है, ये नहीं कोई भी देख रहा कि इस टाइम उन्होंने अपने मुल्क की मुआशत के लिए, अपने मुल्क की जो इकॉनमी जिसको कहा जा सकता है उसको ऊपर लेके जाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। यार मोदी गंदा हो सकता है, वो जलील इंसान हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, खैर मुझे इससे कोई व्हाटएवर मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि वो जैसे भी हैं इस टाइम उनका रुपया अपने रुपये के साथ आप कंपेयर करके देखें, आप उनके दूर दूर तक भी आप उनको चेज नहीं कर सकते। सर आपने मोदी की बात की, गंदा हो सकता है, जलील हो सकता है, अल्लाह करे ऐसे गंदे और जलील हमारे हुक्मरान भी हो और हमारे मुल्क को तरक्की की तरफ लेकर जाएं। सर
क्या वजुआत है कि हम उनको गंदा जलील कह देते हैं लेकिन हमारे यहाँ पर पॉलिटिशियन ना गंदे हो रहे हैं ना जलील हो रहे हैं? कोई हमारे मुल्क को भी यही कहे और हमारे पॉलिटिशियन को शर्म आ जाए ताकि वो मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जाए। 75 सालों से हम अभी आप तो यहाँ पर हम खड़े होकर कह देते कि इंडिया दुश्मन है, वो तो कहता है भाई हम पाकिस्तान मेरे दुश्मन के भी लायक नहीं है। आज उनके फॉरेन रिजर्व देखे $600 बिलियन के सिर्फ और सिर्फ उनके फॉरेन रिजर्व है, और अगर GDP की बात करूँ तो $3.6 ट्रिलियन की उनकी GDP है। आप मुझे बताएं सर, बात असल में पता क्या है, ये रिसेंटली ना हमारे जो वजीर खारजा है ना बिलावल भुट्टो साहिबा, वो जब उनके वहाँ पे इंडिया में गए हैं ना दौरे के लिए, तो मेरे ख्याल से मैं अकेला नहीं जानता, सारा पाकिस्तान जानता है कि उन्होंने जैसा बिहेव बिलावल भुट्टो साहिबा के साथ किया है ना, ऐसा मेरे ख्याल से कभी भी हुआ ही नहीं, कभी भी हमारे किसी वजीर के साथ। उनकी हिम्मत है वो हमारे वजीर के साथ ऐसा बिहेव करें, लेकिन अब उनकी हिम्मत है वो इसलिए कि जो हमारे वज़ीर आज़म के साथ वो उनका सलूक है, उनका बिहेव है, क्योंकि वो हमारी वजह से हैं, हम इस काबिल हैं कि वो हमारे साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं। अगर हम भी इस काबिल हों कि हमें भी वो सलूट करें, तो फिर जारी सी बात है हमारी इज्जत हमारी टॉप लेवल पे जाएगी ना, हम किसकी हिम्मत पड़ेगी हमें कुछ कहने की। सर जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया, जिस तरह से सब प्राइम मिनिस्टर, जिस तरह सारे फॉरेन मिनिस्टर्स को रिस्पेक्ट मिलती थी, उसी तरह बिलावल भुट्टो को भी मिली। आप मेरी इस राय से इतफाक नहीं भी कर सकते, आपकी पर्सनल राय है, उसको मैं रिस्पेक्ट करूँगा। सर दूसरी तरफ आप एक मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को बुचर ऑफ गुजरात कहते हैं, स्टेटमेंट देते हैं, अगले दिन आप उनके मुल्क में जाएंगे तो उन्होंने तो मुझे नहीं लगता कि बहुत अच्छी तरह से उनका इस्तकबाल भी किया दूसरे प्राइम मिनिस्टर के रिलेटेड, वहाँ पर भी जाकर कश्मीर 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 करने। एक मुल्क जब आप किसी के मुल्क में जाओ तो चलो जो इश्यूज हैं उनको साइड पर रखें, पीस की बात करें, ट्रेड की बात करें, आपको नहीं लगता कि इस तरह से रिलेशन बिल्ड हो सकते हैं? वहाँ पर भी जाके आप दुश्मनी की बात करेंगे उनके ही मुल्क में जाकर, तो आपको लगता है कि हालात बेहतर रहेंगे? असल में सर बात पता क्या है, बात यह है कि एक तो सबसे पहले मैं बात यह कहूँगा कि मैं ऑन एयर बात कर रहा हूँ और मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप लाजमी इसको शो ऑफ कीजिएगा कि लोगों को इस बात का पता चले कि हम जब तक एक घर में ना तीन भाई हो ना, दो भाई हो या तीन भाई हो, जब तक वो खुद ही आपस में लड़ते रहते ना तो घर की ईंट तक नहीं, एक भी ईंट जो है ना वो नहीं लगा नहीं सकते। सिर्फ वजह यह है कि वो खुद ही आपस में लड़े जा रहे हैं, मुल्क के बारे में कौन सोच रहा है? हमारे पास हमारे जो एक्स प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, ठीक है, इमरान खान नियाज़ी साहब, वो आए हैं, उन्होंने 3.5 साल यहाँ पे हुकूमत की है, और वहाँ पे कुदरती आफत आई है ना, कोरोना आ गया, कोरोना की वजह से उनके साथ ही नहीं हुआ, पूरी दुनिया में इतने क्राइसिस हो गए थे, इतनी ज़्यादा क्राइसिस आ गए थे कि बहुत ही क्रिटिकल मसले बन गए थे। मुल्क को चलाना तो दूर की बात, हर इंसान को अपना एक घर चलाना मुश्किल हो गया था, मुल्क चलाना तो बहुत दूर की बात है। और अब देखें वो 3.5 साल के बाद गए हैं, इन्होंने उनको उतारा है, उतार के इन्होंने कहा है जी हम एक गरीब आदमी के लिए अपने कपड़े तक बेच देंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक। नाम आपका? मोहम्मद। क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। क्या जॉब? हमारी ऑनलाइन टीचिंग की हैं सर्विसेज, टीचिंग सर्कल नाम से हम बच्चों को पढ़ाते हैं ऑनलाइन। ऑल लेवल कहीं भी? जी जी, ओ लेवल ए लेवल कोई भी, आपने शॉर्ट कोर्स करने हो कुछ भी करना हो। अच्छा, दुनिया में कहीं से भी बंदा आ जाए आप पढ़ा लो हमारे एप्लीकेशन से? हाँ जी, हमारे पास बाहर के ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, पाकिस्तान के कम हैं। ज़बरदस्त हो गया गाइस, अगर कोई ज्वाइन करना चाहे इनके ऑनलाइन क्लासेस को तो ज़रूर कर सकता है। बेसिकली बात करने का पर्पज़ ये है कि भाई आप टीचिंग के शोबे से मुंसलिक हैं, तो आपको इतना तो पता ही होगा कि आज इकोनॉमी के क्या सूरत हाल है हमारे मुल्क के, क्या हम इकोनॉमी के तौर पर इकोनॉमिकल तौर पर तरक्की कर रहे हैं या माइनस में जा रहे हैं? हम इस मुल्क में कोई भी रहना नहीं चाह रहा, कोई भी नहीं रहना चाह रहा, सब चाह रहे हैं कि हम बाहर जाएं, पढ़ना यहाँ पे है या पैदा यहाँ हुए, जो सब जाना बाहर चाह रहे हैं, मैं खुद भी कि हम सबको यही है कि हम बाहर चले जाएँ, पाकिस्तान में भी कुछ है नहीं, शुरू से ही कुछ नहीं मैंने देखा वैसे 25 साल की ज़िंदगी में, लेकिन अभी तो कुछ भी नहीं है कि यहाँ पे रहा जाए। इकोनॉमी ख़त्म हो चुकी हुई है, पेट्रोल आज फिर आई थिंक 20 रुपीज़ बढ़ा है, तो 272 पर पेट्रोल हो गया है। हमारी सैलरीज अगर पाकिस्तान में एवरेज जो सैलरीड पर्सन है उसकी सैलरी होती है 50,000 to 70,000, अगर आप उन्हें डॉलर्स जो कि 287 का है उस पर आप कंपेयर करके देखेंगे, कैलकुलेट करके देखेंगे तो सैलरी क्या बन रही है हमारी पाकिस्तानियों की, $200 भी नहीं बन रही, तो हम क्या करेंगे? इसलिए बड़ा सवाल है तो फिर है ना, बहुत बड़ा सवाल है निशान है। तो यहाँ पर मैं पूछना ही चाहूँगा, सैटेलाइट
सैटेलाइट के बारे में इन्फॉर्मेशन है? जी जी थोड़ी बहुत। हाँ सैटेलाइट भाई वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में हमें मदद देते हैं जो आप इंटरनेट पर बच्चों को पढ़ाते हैं, वो भी सैटेलाइट के थ्रू ही है। चलो अभी बताता हूँ आपको, इंडिया की इसरो कंपनी है जिसने चंद्रयान 3 मिशन भेजा जो चांद पर भी पहुँच गए। दूसरे नंबर पर अभी वहीं इसरो 7 सैटेलाइट को सिंगापुर के सैटेलाइट को खला में भेज रहा है। अपने तो भेज ही रहा वो, लेकिन दूसरी दुनिया के भी अब बड़े बड़े मुल्कों के तकरीबन आज तक मेरी जो कैलकुलेशन के मुताबिक है तकरीबन 30 से ज़्यादा मुल्कों के सैटेलाइट को खला में भेज चुका है। यहाँ पर हमारे हालात क्या हैं और वो खाली मैं बताऊँ आपको, इंडिया सिर्फ और सिर्फ इसरो से हर साल के अंदर $100 बिलियन कमाता है। हाँ जी। और हमारे पास रिजर्व कितने? मैं रिजर्व वगैरह का तो मुझे आइडिया नहीं है, मैं न्यूज़ वगैरह पॉलिटिक्स बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं मेरा इन चीज़ों में, लेकिन हम लोग खुद यही डिज़र्व करते हैं शायद। इंडिया ने 15 अगस्त को इलेक्ट्रिक कार निकाली थी, हमने 14 अगस्त को 75 का नोट निकाला था और नया नेशनल एंथम निकाला था, क्योंकि हम लोग खुद इंजॉय कर रहे हैं इस चीज़ को। मुझे पता है तरक्की जो है कोई भी पॉलिटिशियन, हम पॉलिटिशियन पर डाल देते हैं, शहबाज शरीफ हो या इमरान खान हो, उन्होंने कुछ नहीं करना, हम लोग पढ़ेंगे तो करेंगे, हम लोग पढ़ने पे हमारा अपना फोकस तो है नहीं। इंडिया के बच्चे हैं उनको एक्टिंग का डांस का बहुत शौक है, लेकिन वो साथ में पढ़ भी रहे होते हैं। हमारे यहाँ पे हम लोगों को पढ़ने का शौक ही नहीं है, हमें यही नहीं पता होता कि हम लोगों ने मैट्रिक के बाद, हमने बस पढ़ना है ना, बच्चे को पता है कि आपने डॉक्टर बनना है, उसे बताओ तो सही डॉक्टर बनने के लिए मैट्रिक में क्या रखना है, अपने इंटर में क्या रखना है। क्या हमारी एजुकेशन सिस्टम से गुजर कर सिर्फ डॉक्टर पायलट और इंजीनियर के अलावा और क्या क्या फील्ड्स हैं? क्या ये एजुकेशन सिस्टम जो हम पढ़ रहे हैं, जो 9th-10th की जो उनसे SST की किताबें हैं, क्या आपको लगता है कि उसके अंदर जो लिखवाया गया एक्यूरेट लिखवाया गया? हमारी मूवीज़ में और बुक्स में ये बताया जाता है कि उन्होंने हमारे इतने मिलियन पैसे खा लिए, हम लोग जीते ये वाली जंग, हम लोगों ने उनको हिला के रख दिया, उनकी मैंने आपको हीरो बताया गया, अपनी कमजोरियां नहीं बताई, ऐसे ही है उनकी बुक्स और उनकी मूवीज में बताया गया, वो लोग जीते थे, उन्होंने हमें डरा दिया था, उन्होंने आपको एक सच्चाई बताऊं, आज तक कितनी जंगें हुई इंडिया पाकिस्तान? तीन हुई हैं, 4 जंगें हुई कारगिल के ऐड करके, चारों जंगों में कौन जीता? हमें ये बताया गया हम जीते, लेकिन सच्चाई में चारों जंगें वो जीते हैं। जंग शुरू किसने की? ये आइडिया नहीं मुझे, नहीं आइडिया। हमारे दुश्मनी किस वजह से है इंडिया के साथ? दुश्मनी कोई नहीं, हमारे पास खारबाजी है। क्यों है खारबाजी? हम लोग बर्दाश्त नहीं करते उनको, हम लोग उनकी, हमसे उनकी तरक्की बर्दाश्त नहीं हो रही। आप मुझे पूछें कि एक मूवी का ट्रेलर आया था कल गदर 2 का, उसमें उसने कहा था कि अगर अभी पाकिस्तानियों को मौका दे दिया जाए ना इंडिया जाने का, तो आधे से ज़्यादा पाकिस्तान खाली हो जाएगा, और ये बात बिल्कुल सही है, हम लोग इंडिया चले जाएंगे, जिनको हम लोग सिर्फ सोशल मीडिया पे हम लोग उन्हें गालियां दे रहे होते हैं, वरना अभी हमें मौका मिले हम वहाँ पे चले जाएंगे। मुझे नहीं पता पाकिस्तान में कितनी मूवीज़ बनती हैं, क्या नाम है, मुझे पता है शाहरुख खान की कितनी मूवीज़ हैं, कौन सी मूवी कब आई थी, मुझे सब पता होगा, हम पसंद उन्हीं को करते हैं। हम इंडिया जाना क्यों चाहेंगे ये तो बताएं ज़रा। टेक्नोलॉजी यहाँ पे मेरा इंटरनेट का जो पैकेज होता है 1 वीक का, वो तकरीबन 600 का होता है, ठीक है, और जो कि स्पीड भी डाउनलोडिंग के टाइम 1 MB 2 MB आ रही होती है डाउनलोडिंग के टाइम पे, वहाँ पे जियो का जो इंटरनेट है वो पाकिस्तानी हमें तकरीबन 32 रुपीज़ का पर वीक उतने ही GB दे देता है। वहाँ पे टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिक कार उन्होंने बना ली है, एप्पल वहाँ पे आ गया है, वहाँ पे हर चीज़ है, यहाँ अमेज़न है, गूगल है, यूट्यूब का, फेसबुक भी मोनेटाइजेशन ऑन कर सकते हैं, ये वीडियो यूट्यूब पर ही आएगी, ठीक है, और पाकिस्तान में यूट्यूब का ऑफिस नहीं है, वो अगर किसी वजह से अल्लाह ना करे इसको डीमोनेटाइज कर दें या कुछ भी कर दें, आप जा सकते हैं, कहाँ जाएंगे, वहाँ पे अपील वहाँ कर शीशे तोड़ देंगे उनके, सही बात है, ठीक है, वहाँ पे बहुत कुछ है, यहाँ पे कुछ वो बड़े महज़ब कौम है, वो शीशे नहीं तोड़ते, अगर शीशे तोड़े तो हमने शीशे तोड़ के तो बाहर की कंपनियों को भगा दिया। अब बताएं अभी टोयोटा की कंपनी कहाँ पर, हमारे पास सुजुकी की कंपनी हमें छोड़कर चली गई, क्या वजूहत हैं कि हमें दुनिया छोड़कर जा रही है और उनके पास बाहर से कंपनी जा रही हैं, भाई पूछ के जाती हैं कि भाई हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, हम बताओ कौन से कंपनी, अभी टेस्ला भी आ गया भाई, हमें, हम लोग वहाँ यहाँ पे उन्हें फैसिलिटीज़ नहीं देते, इसलिए नहीं देते क्योंकि हमारे पास इतने रिसोर्सेज ही नहीं है कि हम उन्हें फैसिलिटीज़ दे सकें, हम लोग उन्हें कुछ भी नहीं इस तरह का दे रहे कि वो यहाँ पर आए, यहाँ पे अपने प्लांट्स लगाएं, मैन्युफैक्चरिंग करें, हमें हर फोन बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है, ये PTA टैक्स किस चीज़ का है, हम किस चीज़ का दें, पूरी दुनिया में फिक्स्ड रेट है, जो आईफोन होगा वो $1000 का होगा, जो उसका प्रो एडिशन होगा वो 1100 का होगा, जो प्रो मैक्स होगा वो $1200 का होगा, हमें वो कन्वर्ट करके पहले पड़ जाता है ₹4 लाख का, और फिर हम लोग उसके ऊपर $1,60,000 PTA भी दें, क्यों दें, किस बात का दें, हलाल के पैसे, अच्छा जिन पैसों से हम लोगों ने वो खरीदा है वो सैलरी थी या वो बिजनेस था, तो तब भी तो हमने टैक्स दिया है, अब अलग से PTA का टैक्स हम क्यों दें, एक दफ़ा दे तो दिए यार, मैंने फ़ोन लेना था, मैंने ये फ़ोन ख़रीदा, मैंने जॉब की, मेरी जॉब में से हर महीने टैक्स कटता है, ठीक है, जब टैक्स कट गया अब मैं अपनी बाकी सैलरी में से फ़ोन ले लेता हूँ, आईफोन ही है, आईफोन 10 रखा हुआ यार, अब तो भाई 15 आ गया,
अभी पाकिस्तान में नहीं आएगा, पहले पहले कहीं और ही आएगा, पहले इंडिया में आएगा, कहीं और आएगा, पाकिस्तान में पहले नहीं आएगा। आप कहना चाह रहे हैं कि जितनी ज्यादा बड़ी से सैलरी ले ले पाकिस्तानी एक्स ही अफोर्ड कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि और भी तो खर्चे हैं ना कितने ज्यादा हमारे यहाँ पे। हम लोग सिर्फ दो चीजें, हम लोग सिर्फ दो चीजें नहीं पूरी कर सकते, अपना रेंट और अपने बिल, हम ये दो चीजें पूरी नहीं कर सकते इन दूसरे के बाद, क्योंकि दूसरे के बाद जो हर 50 रुपए फी यूनिट, हर इंसान के लिए जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो इस टाइम खाना पीना नहीं है, इन दोनों के बाद एजुकेशन अपने बच्चों की। बिल्कुल सही हो गया, बहुत शुक्रिया भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? बखैरियत, अल्लाह का शुक्र है। नाम क्या आपका? मोहम्मद यार जी। लॉयर हैं? जी जी, मोहम्मद यार एडवोकेट नाम है। जबरदस्त यार, अल्लाह ताला आपको मजीद कामयाब करे। बात करने का पर्पस है कि क्या हालात चल रहे हैं इकोनॉमी के? इकोनॉमी के हालात इस वक्त बहुत डाउन चल रहे हैं, वो तो सबके सामने ही है जिस तरह के इकोनॉमी के हालात जा रहे हैं। इकोनॉमी के हालात तो फिर आपको पता है डॉलर के साथ साथ है, ऑयल के साथ साथ ही चलते हैं। जब तक डॉलर जो है किसी सतह पर नहीं आता, डॉलर पाकिस्तान में वाफर नहीं होता, तब तक इकोनॉमी का यही हाल रहेगा जिस तरह का डाउनफॉल चल रहा है मुल्क में। अभी पेट्रोल की मजीद कीमतें इंक्रीज़ कर दी गई हैं। ऑफकोर्स, ये तो 19 रुपये ज़्यादा, 19 रुपये ज़्यादा, ये पहले जो इन्होंने गम की हैं कीमतें, ये भी मुल्क को लॉस होना ही था किसी ना किसी चीज़ में। जैसे आपको ये इलेक्ट्रिसिटी में हमें उधर उन्होंने यूनिट 60 रुपये का कर दिया, इधर से पेट्रोल कम कर दिया था, अब वही है अपना इलेक्ट्रिसिटी में भी हमें कॉस्ट ज़्यादा हो गई, इधर से पेट्रोल भी ज़्यादा हो गया। यानी कि अब भी जो है अगर एस्टीमेट लगाया जाए तो पेट्रोल की जो है कीमतें तकरीबन जो है वो एग्रीगेट देखा जाए डॉलर के हिसाब से तो कीमतें कम है, और ये सब जो है वो सियासतदानों की नाहली की वजह से है। सर, यहाँ पर खड़े होकर हम सिर्फ अपने मुश्किलात की ही जिक्र करते हैं, हर रोज़ कोई हमारे ऊपर अल्लाह की तरफ से भी कोई आफात आ जाती हैं, कोई आफात हमारे खुद की किया कराई के ऊपर आ जाती हैं। हम यहाँ पर बैठकर रोज़ बात करते हैं, सैलाब आ गया, महंगाई बढ़ गई, पेट्रोल बढ़ गया, डॉलर ऊपर चला गया, घी बढ़ गया, आटा तो मिल ही नहीं रहा, इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन हमारे पड़ोसी मुल्क से तो वहाँ से अलग अलग किस्म की खबरें आती हैं। आज भाई सैटेलाइट लॉन्च कर दिए, चंद्रयान 3 लॉन्च हो गया, आज उनके 100 बिलियन डॉलर्स के रिजर्व बढ़ गए, 600 बिलियन डॉलर्स के रिजर्व हो गए, इतनी वो डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है। आज मैं बताऊँ आपको, उन्होंने अपना रॉकेट लॉन्च कर दिया इसरो के जरिए, जिसमें से 7 सिंगापुर के सैटेलाइट्स लॉन्च कर दिए। यहाँ पर हम अपने लॉन्च नहीं कर पा रहे, अपने हालात से बाहर नहीं आ पा रहे, वो डिवेलप किस तरह से हो रहे हैं? उनका जो है वो वहाँ पे जो है अपना कोई बंदा जो है हर किसी की कोई बंदा आगे बढ़े या कोई इन्वेंशन वगैरह करे, वहाँ पे बंदे की जो है वो कारीगरी को प्रमोट किया जाता है। वहाँ पे कोई बंदे की सरमायाकारी को, बंदे के बिजनेस को, बंदे के आईटी सिस्टम के, कोई भी बंदा कारोबार कर रहा है उसको प्रमोट किया जाता है, उसको मज़ीद उसमें जो है बेहतरी दी जाती है। जैसे कोई किसानों के, जैसे कोई किसान है काश्तकारी में लगा लें, वहाँ पे उनको किसान कार्ड वगैरह दिए जाते हैं ताकि मज़ीद, क्योंकि वो इंडिया जो है वो ज़रात में सबसे आगे जा रहा है, उसकी वजह ये है कि उनको उसमें आसानियाँ दी गई हैं, किसान कार्ड दिए गए हैं, गरीबों को राशन कार्ड दिया जा रहा है, यानी कि प्रॉपर जो है वो रिज़्क जिसको चाहिए होता है, जिसको जितने वसाइल चाहिए होते हैं उस तक पहुँच रहे हैं। यही वजह है कि वहाँ से जो है ये वहाँ पे ये हाल ही नहीं है कि कोई भूख से मर गया, कोई सैलाब से मर गया, कोई जलजले से मर गया, कोई किस चीज़ से मर गया। वहाँ पे जो है एक प्रॉपर मैनेजमेंट है हर चीज़ की, हमारे यहाँ पे इस तरह की मैनेजमेंट कोई नहीं है। हमारे यहाँ पे सियासतदान बस अपनी अपनी जेबें भरने पे लगे हुए हैं, यहाँ पे जो है सिचुएशन बस इस तरह की चल रही है। क्या सीन देखते हैं आप, अगर फ्यूचर यहीं रहा, बांग्लादेश हमसे अलग हो गया, आज सिंधु देश की तहरीक भी चल रही है, अगर आप देखेंगे बलूचिस्तान की जो पीएम है, बलूचिस्तान की पीएम एग्जाइल, वो भी इंडिया पहुंची हुई हैं, वो कह रही हैं कि बंगला बलूचिस्तान को उनके हकूक नहीं मिल रहे, हकूक के लिए बात की जाए। हमारे यहाँ पर ये मसाइल हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं कि इंडिया के साथ जंग करेंगे, जंग से बेहतर नहीं है ट्रेड कर लें? इंडिया से जंग करके ये तो जो है 1947 से बातें चली आ रही हैं जंग की, ये तो सिर्फ बातों की हद तक ही काम रह जाते हैं। जंग वाले 4 जंगें तो लड़ी हैं, 4 जंगें जो हैं वो अपना जिस तरह की जंगें लड़ी गई हैं, जैसे वो कारगिल का वाक्य आप लगा लें, अपने फौजी वहाँ पे मरवा दिए अपनी ही नाली की वजह से, गलती की वजह से, वहाँ 93,000 फौजी बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। खैर, इस पर तो नहीं बहस करना चाहता, ये नया कटा खुल जाएगा ये जो है वो और मामला की तरफ चले जाती हैं। और दूसरी बात ये है कि जब भी कहीं पर इनकलाब आता है ना तो इस तरह की सिचुएशन आती हैं। आज जो यहाँ पे चीज़ें या डिपार्टमेंट्स वगैरह को या इकोनॉमी वगैरह को हाईलाइट किया जा रहा है ना, आज से पहले ऐसा नहीं था। ठीक है, अगर आप बांग्लादेश को लगा लें, इंडिया को लगा लें, इस तरह का वक्त आया है तो उसके बाद उनको बेहतरी आई है। उसकी वजह ये है कि आवाम के